कला उत्सव 2016 विजुअल आर्ट ई प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। कला उत्सव प्रतियोगिता के लिए संत निरंकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 6 छात्राओं का चयन किया गया। हम 6 छात्रों का चयन किया, जिनमें से एक छात्र CWSN है। मैं मुस्कान, क्लास 11th। सिमरन, क्लास 11th। स्वाति, क्लास 11th। रौनक भारद्वाज, क्लास 11th। चांदनी, 12th। साक्षी, 10th D। इस कला प्रतियोगिता के लिए आंध्र प्रदेश की थोलू बोम्मा लाटा कला का चयन किया गया, जिसमें थोलू का अर्थ है लैदर और बोम्मा लाटा का अर्थ है डांसिंग पपेट। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पुस्तकालय और इंटरनेट पर शोध कार्य किया और फिर शिल्प संग्रहालय तथा दिल्ली हाट से इस कला से संबंधित कलाकारों से मिलकर उनसे शैडो पपेट के बारे में बेहतर जानकारी हासिल की और पपेट को बनाना सीखा। आप कब से कर रहे हो ये? 15 साल का ऊपर से। मतलब आप, मतलब फादर और आपके फादर, आप कब से यही काम कर रहे हैं? मेरा फादर का फादर भी यही काम करता है, हमारा बच्चा भी यही काम करता है, पढ़ाई भी करता है। इधर सेंटर में एक आता है। अच्छा, अब देखो कैसे वो कैसा मूविंग होने तो भी ऐसा होता है, ये अलग ही बना हुआ है। अच्छा, ये जॉइंट से ये अलग अलग होता है? शोल्डर में देखो हमारा जॉइंट होता है, कोहनी में होता है, हाथ में होता है, ऐसे यहाँ कमर से हमारे ये हिलते हैं, पैर से अलग है, चोटी है ना, ये देखो ये है, हाथ से अलग है, ये है, ये देखो यहाँ पर भी ये हाथ अलग है, शोल्डर से ये धागे से इनको जोड़ा हुआ है। राम जी, ये लक्षण है राम को नमस्कार करने के लिए, इसमें ये आता है। जिससे पता चला कि इस कला का जन्म 300 वर्ष ईसा पूर्व गुजरात में हुआ और बाद में कलाकारों द्वारा इस कला को महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में फैलाया गया। ये आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक व लोक कला है, जिसे शैडो पपेट भी कहा जाता है। ये कला प्राचीन समय में मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम हुआ करती थी, जो आज भी आंध्र प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन का साधन है। इसमें रामायण और महाभारत की कहानियों को पपेट्स के माध्यम से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 9 दिनों तक रामायण पर आधारित रामलीला तथा 18 दिनों तक महाभारत पर आधारित रासलीला दिखाई जाती है। इसमें आकृतियों को राजसी वेशभूषा में दिखाया जाता है, जिसमें महिलाओं को साड़ी लहंगा आभूषण तथा पुरुष आकृतियों को धोती कुर्ता में दर्शाया जाता है। ये जानकारी प्राप्त करने के बाद इसको बनाने की प्रक्रिया आरंभ की गई। यह कार्य आरंभ करने से पहले हमें सामान इकट्ठा करना था। अब प्रश्न यह आया कि लेदर कहाँ से लिया जाए। हमें जितना आसान लग रहा था उतना आसान नहीं था, क्योंकि हमने कई स्थानों से पता किया लेकिन लेदर नहीं मिला। तब हमने इस कला के कलाकारों से, जो कि आंध्र प्रदेश में स्वयं इस लेदर को एक लंबी प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं, उनसे कहकर आंध्र प्रदेश से कोरियर द्वारा ये लेदर मंगवाया। तब छात्राओं ने इस पर कार्य आरंभ किया। क्या बना रहे हो आप? हम ये लेदर पपेट बना रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश की सबसे प्राचीन लोक कला है। हमने सबसे पहले कागज़ पर इसका रेखा चित्रण किया, उसके बाद हमने इस पर चमड़ा रखा, उसके बाद हमने नीचे लाइट लगाई है ताकि हम ऊपर इसे देख सकें, उसके बाद हमने इसे बांस की लकड़ी से काले रंग से इसका आउटलाइन की है, इसके बाद हम इसमें रंग भरेंगे। जिस प्रकार आप जानते हैं कि ये कला ज़्यादातर रामायण और महाभारत पर आधारित है, तो इसके लिए रामायण के पात्रों पर पपेट्स, चित्र और हैंगिंग बनाए गए। इसमें CWSN छात्रा सहित सभी छात्राओं ने मिलकर मेहनत, लगन और उत्साह से मिलकर कार्य किया। पहले कागज़ पर आकृतियों का रेखांकन किया गया, फिर लेदर पर बांस की सींक द्वारा उनकी काले रंग से आउटलाइन की, फिर उसमें आभूषणों के स्थान पर छोटे छोटे छेद किए गए
ताकि पीछे से प्रकाश डालने पर ये चमकदार प्रतीत हों। और फिर इसमें सब्जियों व फूलों से बने प्राकृतिक रंग भरकर उसे कटिंग करके उसके अलग अलग हिस्सों को धागे से जोड़ा और बांस की पतली सींकों को बांध कर पपेट्स को फाइनल रूप दिया। करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके विषय रामायण व महाभारत है। इस चित्र में हमने सीता स्वयंवर दिखाया गया है, इस पर एक चित्र बनाया गया है और हैंगिंग बनाई गई है, छोटी बड़ी पपेट्स बनाए गए हैं, लैम्प शेड बनाए गए हैं और तथा राधा कृष्ण के चित्र बनाए हैं। यह ताकि यह कला दूर दूर तक घरों घरों तक फैले, इसलिए हम इस कला को बना रहे हैं। अंतिम रूप में पपेट्स को सफेद कपड़े के पीछे से प्रकाश डालते हुए उसे चलाया और इस पारंपरिक लोक कला की रोचकता का अनुभव प्राप्त किया। विद्यालय के बच्चे इस वर्ष कला उत्सव में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और सोनिया जो हमारी ड्राइंग टीचर हैं उन बच्चों को तैयार कर रही हैं। बहुत ही लगन से हमारे सभी बच्चे कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि जब वो एग्जीबिशन लगेगी तो उनका कार्य सराहा जाएगा। इस रचनात्मक कला पर कार्य करने में छात्राओं को बहुत आनंद आया। ये सुअवसर देने के लिए मानव संस्थान विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, प्रधानाचार्य और अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद।